so empty. The only thing I can see is my. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज हमने जो है एक स्मार्ट वॉच मंगाई है, रगड़ स्मार्ट वॉच है, अमेजोन की तरफ से हमने मंगाई है। पर दोस्तों टेरा यहाँ ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे जो है फोटो दी गई है, बीट एक्सपी की ब्रांडिंग यहाँ दी गई है और कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलता है कि स्पेसिफिकेशन 1.39 इंच लार्ज डिस्प्ले HD डिस्प्ले दिया गया है, 60Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है, एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग दी गई है, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है ये। और यहाँ पे जो ब्रांडिंग दी गई है, इस साइड में जो है और की स्पेसिफिकेशन वगैरह बता रखे हैं। ब्लैक कलर के अंदर आपको यह देखने को मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है, वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, 7 डेज जो है लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चलने वाली है, 100+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। यहाँ पे जो आपको QR कोड दिया गया है, एप्लीकेशन आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सारी बात करेंगे, इसके लिए जो है हम सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको स्लाइड करेंगे तो बॉक्स जो है कुछ इस प्रकार से बाहर निकल के आ जाता है। ब्रांडिंग दी गई है टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, क्या बात है। यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल वगैरह बता रखी है और तो बॉक्स जो है एकदम पूरी तरीके से क्लीन है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है बीट एक्सपी के एक और इनवल्फ देखने को मिल जाता है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसके अंदर आपको बेसिकली बता देते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो है टेक चार्ज और बॉडी, मतलब कुछ स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही कूल लग रहे हैं और इन स्टिकर्स को जो है मैं ज़रूर काम में लेने वाला हूँ। साथ में जो है आपको एक 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है इनकी जो फिटनेस एप्लीकेशन है उनके थ्रू अगर आप लॉगिन करते हैं तो। साथ में दोस्तों आपको जो है एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, इसके थ्रू जो है आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी डिटेल वगैरह जो है आपको यहाँ दी गई है। एक जो है दोस्तों आपको वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है और इसकी लेंथ जो है ठीक है दोस्तों, अच्छी केबल क्वालिटी लग रही है मुझे। इसको भी एक तरफ रखते हैं और ये है दोस्तों हमारी मेन वॉच, मेन प्रोडक्ट जो है ये है, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार क्वालिटी का हमें लग रहा है ये। दोस्तों अभी इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है चालू है और इसके अंदर आपको जो है फ्रेम मेटल का दिया गया है, बहुत ही शानदार और कूल सा लग रहा है। यहाँ पे जो है पावर बटन दिया गया है, पावर जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे जो है बैक बटन अलग से दिया गया है, बैक जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे जो स्क्रू दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, 4 स्क्रू दिए गए हैं। इस साइड में जो है माइक्रोफोन दिया गया है और इसके अंदर आपको स्पीकर कहाँ देखने को मिलता है, स्पीकर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं जूम फोकस करता हूँ थोड़ा सा, माइक्रोफोन के जस्ट नीचे जो आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो आपको टेरा मॉडल नंबर लिखा गया है, मतलब बी टेक्स भी ब्रांडिंग दी गई, साथ में इसका मॉडल नंबर भी लिखा गया है और पॉइंट्स दिए गए हैं। इस साइड में 2 स्मार्ट वॉच लिखा गया है, मतलब 22mm के जो है ये आपके स्टेप्स हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बैक डिज़ाइन देखने को मिलती है, बैक साइड जो है आपका प्लास्टिक का दिया गया है लेकिन फ्रेम जो है आपको मेटल की देखने को मिल जाती है। बहुत ही रफ एंड टफ दोस्तों ये लगती है, पहनने के बाद में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे जो है फीलिंग आने वाली है और हाथ के ऊपर जो एकदम बढ़िया से फिटिंग होने वाली है। स्ट्रिप्स की क्वालिटी दोस्तों वाकई में शानदार है। चलिए दोस्तों अब जैसे आप इसको पावर ऑन ऑफ बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो है वॉच फेसेस आ जाएंगे। इसमें जो है मैंने पासवर्ड लगा रखे हैं, जैसे मैं इसको छेड़ूंगा तो ये जो है पासवर्ड मांगेगा, तो सिंपली जो है मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने दोस्तों पासवर्ड डाला तो ये ओपन हो गई है। अब इसको जो मैं डायल को क्राउन बटन को जो है डायल करता हूँ तो आपको जो है वॉच फेसेस मिल जाते हैं, इनको आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आपको इनबिल्ट दिए गए राउंड डायल के अंदर, बहुत ही शानदार लग रही है दोस्तों ये वॉच। तो मैं एक सेट कर लेता हूँ, ये वाला सेट कर लेता हूँ और ऊपर से नीचे की साइड स्वाइप करते हैं तो आप कुछ क्विक शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो है यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट करने का है, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्लीप मोड दिया गया है, यहाँ पे अलार्म क्लॉक का दिया गया है, यहाँ ब्राइटनेस लेवल दिया गया है, इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है QR कोड दिया गया है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डिस्टर्ब मोड आपको दिया गया है और यहाँ पे जो है वेदर आएगा, यहाँ पे टाइम वगैरह देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बॉटम से अपर साइड करें तो नोटिफिकेशन ट्रे आपके सामने आ जाती है और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपका वेदर, ब्लूटूथ कॉलिंग और रिसेंट यूज़ जो आपने किया वो आ जाता है, ठीक है। राइट से लेफ्ट साइड करेंगे तो आपको जो है आपकी एक्टिविटी ट्रैकर मिल जाता है, हेल्थ मॉनिटरिंग ट्रैकर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पीड लेवल है, स्ट्रेस मॉनिटर है, वेदर है, म्यूजिक कंट्रोल है, कॉल कॉन्टैक्ट वगैरह है, कॉल जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अलग से। वर्ल्ड क्लॉक है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का भी आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही मेजर अपडेट मुझे लगा है, बहुत ही शानदार चीज़ मुझे लगी है, इसके बारे में बात करेंगे आगे किस प्रकार से आप जो इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो आप जाके और इनको ऐड या हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टाइल आप कितने प्रकार के आपको देखने को मिलती है तो थीम में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। सर्कुलर है, रोलिंग है, तो रोलिंग एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से मेन्यू स्टाइल जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। तो रोलिंग वाला भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और तो ये वाला है एक, ये भी अच्छा लग रहा है मुझे,
ये और भी अच्छा है। इस तरह से करते जाओ इन्फिनिटी, मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी, तो ये भी अच्छा लगा है मुझे। तो यहाँ पांच मेन्यू स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जो कि एक अच्छी बात मुझे लगी है। एक बार तो मैं जो है लिस्ट व्यू पे करके दिखा देता हूँ आपको, लिस्ट व्यू में किस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाता है। 1.39 इंचेस की दोस्तों इसमें डिस्प्ले दी गई है आपको, और वाटरप्रूफ दी गई है दोस्तों, पोलिंग वॉच है, सारे एक्टिविटी ट्रैकर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं 1500 रुपये में, और आप क्या ही लोगे। रगड़ वॉच है, बहुत ही रफ एंड टफ है, अगर बहुत देर तक यह पानी में भी रहती है तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और ऊंचाई से अगर गिर जाती है तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो चलिए सेटिंग ऑप्शन में आपको और इसके फीचर्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ। फाइंड माई फ़ोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। गेम्स वगैरह भी दिए गए हैं, कैलकुलेटर भी दिया गया, कैलेंडर भी दिया गया है, AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया गया, स्टॉक मार्केट वाला भी हम आगे बात करेंगे। इसमें सेटिंग ऑप्शन के अंदर आपको जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज आपको अगर मान लो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है इसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप चाहो तो इस तरह की डिस्प्ले रख सकते हैं, आप चाहो तो जो है डिजिटल वॉच भी रख सकते हैं। तो अभी देखते जो है डिजिटल वॉच में आप लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और एनालॉग में आपने स्टार्टिंग में देखा राउंड डायल वाला, उस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस वॉच के अंदर आप हार्ट रेट वगैरह कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको वॉच को रिस्ट पे पहनना होगा, लेकिन उससे पहले हम चेक करने वाले हैं कि बिना रिस्ट पे पहने हुए भी क्या ये मेजर करता है या एरर शो करता है। तो जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हैं सेंसर्स वगैरह जो है ब्लिंक होने लग गए हैं, और क्या ये मेजर, हाँ दोस्तों मेजर नहीं कर पा रहा है। प्लीज़ वेयर वॉच प्रॉपरली एंड ट्राई अगेन, एरर जो है शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमें प्रॉपरली इसको जो है वेयर करना होगा। तो वॉच जो है मैंने वेयर कर ली है, पहनने के बाद जो है कुछ इस प्रकार की फिटिंग आपको देखने को मिल जाती है सिंपली। चलिए अब हम सबसे पहले हार्ट रेट मॉनिटर कर लेते हैं हमारा। तो हार्ट रेट को जो है मॉनिटर करने के लिए मैंने इस पर एक्टिवेट कर दिया है। तो हार्ट रेट दोस्तों मॉनिटर कर रहा है, और आपके सामने जो है रीडिंग्स वगैरह भी आ रही हैं। आगे भी हम जो है और टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए हार्ट रेट इसने मॉनिटर कर दिया, बैक करते हैं। बैक जो है इस बटन से ही करना सिंपली हमको, और अब हम चेक करने वाले हैं SpO2 लेवल। तो SpO2 लेवल जो है मेजरिंग प्लीज स्टे स्टिल ये लिखा हुआ आ रहा है। आपको जो है सिंपली अपने हैंड को होल्ड रखना है और वेट करना है रीडिंग्स का। तो 97% का जो है SpO2 लेवल आ गया है, 99% का, तो ये ओके है, इसको जो है बैक कर देते हैं। अब जो है दोस्तों SpBP और DBP इसको मेजर करके देख लेते हैं कि BP हमारा किस प्रकार से यह मेजर करता है, और BP की रीडिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वेट करते हैं। तो BP जो है दोस्तों 106/80 दिखा रहा है, जो कि ठीक है इन रीडली दोस्तों। अब इसके अंदर एक खास फीचर है, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, लेकिन उससे पहले दोस्तों इसको जो है मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। तो मोबाइल दोस्तों एक सबसे ज़बरदस्त फीचर स्टॉक मार्केट का, ये फीचर जो है दोस्तों आपको किसी भी वॉच में देखने को नहीं मिलता है। इसको किस प्रकार से काम में लेना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है स्टॉक मार्केट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जो है ऐड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसको ऐड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया गया है, सर्च वाले बटन पर जैसे मान लो मेरे को SBI का शेयर मैंने ले रखा है, मैं उसको मॉनिटर करना चाहता हूँ, ठीक है, मॉनिटर करना है मान लो वॉच के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं SBI का कौन सा शेयर है, ये वाला शेयर है, मेरे को ये वाला शेयर मैंने ले रखा है, मैं चाहता हूँ कि दिन भर इसकी मॉनिटरिंग मैं करता रहूँ। जैसे दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड वाले बटन को दबाऊंगा ना, तो ये शेयर जो है मेरा वॉच के ऊपर शो करेगा। कहाँ शो करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मार्केट का ऑप्शन ये रहा, AI वॉइस असिस्टेंट के नीचे शेयर मार्केट का ऑप्शन है। अभी फिलहाल के लिए शेयर मार्केट बंद है, लेकिन नहीं तो इसकी प्राइस जो है ऊपर नीचे होती है और आपको यहाँ शो करती है। जैसे 594 रुपये का शेयर है, तो आप इसको चाहें तो यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं कनेक्ट करके। तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, मुझे तो ये जो है शेयर मार्केट वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगा कि शेयर मार्केट जो है आप अगर डील करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप यहाँ से उनको जो है मॉनिटर भी कर पाएंगे, जी कंट्रोल कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए आप इसको म्यूजिक को आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं किस प्रकार का साउंड आउटपुट इससे आपको मिलने वाला है। मैंने जो है सिंपली मेरे मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लिया है। अब आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन कैसे काम में लेना, म्यूजिक वाले ऑप्शन में चले जाना है, और मैंने जो है एक सॉन्ग प्ले कर लिया है। इसका साउंड जो है कुछ इस प्रकार से आपको सुनने में मिलेगा। मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ एक बार, आपको सुना देते हैं। यहाँ से जो है नेक्स्ट कर सकते हैं और प्रीवियस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप डिटेल से अगर देखना चाहते हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो आपको जो है म्यूजिक वाले ऑप्शन में आ जाना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन में जैसे दोस्तों आप इस पर प्रेस करेंगे ना, तो आपका मोबाइल में शिफ्ट हो जाएगा साउंड, और जैसे आप इसे दोबारा से क्लिक करते हैं तो आपका साउंड जो है वॉच के अंदर आ जाएगा, और वॉच का सिंबल भी लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से जो है आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो तो। मैं वॉल्यूम फुल करके एक बार साउंड सुना देता हूँ। तो साउंड क्वालिटी तो ठीक है दोस्तों इसकी, तो मुझे जो है इसकी साउंड क्वालिटी ठीक लगी फुल करने के बाद, काफ़ी लाउड है। अगर कॉल वगैरह करते हैं आप इससे
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको क्लियरली जो है वॉइस सुनाई देने वाली है। म्यूजिक के बाद दोस्तों वेदर देखने को मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है, फाइंड माई फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो फाइंड माई वाले फ़ोन पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार का बीप जो है इसमें आने वाला है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मेरे को लगा है कि फाइंड माई फ़ोन जो है इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड माई फ़ोन के नीचे जो आपको स्टॉपवॉच टाइमर वर्ल्ड क्लॉक AI वॉइस असिस्टेंट स्टॉक मार्केट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स गेम्स भी देखने को मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर। गेम सिर्फ एक ही दिया गया, आपको इनबिल्ट गेम जो है एक ही दिया गया है, गेम दो तीन होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है, तो गेम जो है आप इसमें खेल सकते हैं और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी जो है ना वाकई में शानदार मुझे लगी है। कैलकुलेटर भी दिया गया दोस्तों आपको, जो है गुणा वाकई भी दिया गया है, आप इसमें जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। तो कैलेंडर भी दिया गया है इसके अंदर, तो कैलेंडर पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से जो है कैलेंडर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, तो इसको भी एक बार बैक कर देते हैं। कैलेंडर के बाद दोस्तों आपको जो है कलेक्शन कोड वगैरह दिया गया, जैसे मान लो आपको पेमेंट रिसीव करना हो या पेमेंट करना हो तो उसके लिए दिया गया है। और एक यहाँ पे जो है नेम कार्ड दिया गया है, तो आप जो है अपनी वॉच से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप इसको अपनी एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंग जो है अपना नेम कार्ड भी बना सकते हैं। तो 10 वॉच फेस जो आपको इनबिल्ट मिलते हैं और 4 मेन्यू स्टाइल आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों बहुत ही शानदार है, IP67 की वाटर प्रूफिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, HD डिस्प्ले दी गई है, बॉडी जो आपको मेटल देखने को मिल जाती है और एल्युमिनियम बॉडी है दोस्तों, बहुत ही रफ एंड टफ चीज़ दी गई है आपको। ये वॉच दोस्तों आपको जो है 1200-1300 रुपये में देखने को मिल जाएगी सेल वगैरह के अंदर, लेकिन हमने ये वॉच जो है 1700 रुपये में मंगाई है हमने। हालांकि इसको जो है कॉस्टली मंगा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए जो है इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब दोस्तों इस वॉच सेक्शन में बताओ कि क्या इस वॉच का जो है हम गिव अवे रखें या नहीं रखें, क्योंकि मेरी बहुत ही तहे दिल से इच्छा है कि इस वॉच का भी जो है मैं गिव अवे रखूं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 1500-1700 रुपये की स्मार्ट वॉच फ्री में चाहिए ना, तो सब्सक्राइब भी करना होगा चैनल को, लाइक भी करना होगा, वीडियो को शेयर भी करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना होगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कर दिए तो मैं इस वॉच का गिव अवे अनाउंस कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए एक जो है सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका आप वेट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।